सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शासन सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। वहीं इस बैठक में सीएम ने वैशाली नगर और चूरू के प्रकरण पर नाराजगी जताई। कुछ अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर भी नाराजगी जाहिर की। सीएम अशोक गहलोत ने पुलिस को आमजन के प्रति अच्छे व्यवहार की नसीहत दी। इस बैठक में पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह यादव, गृह सचिव एडीजी अनिल पालेवाल, बीएस सोनी, जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने अधिकारियों से अपराधियों पर लगाम कसने और निर्दोषों को न्याय दिलाने के निर्देश दिए। प्राथमिकताओं में क्या प्रोग्रेस है उसकी चर्चा हुई, किस प्रकार से प्रभावी पुलिसिंग प्रदेश में सुनिश्चित की जाए इसके संबंध में मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिए। अब उसके बारे में एक्शन प्लान बनाकर कार्रवाई की जाए। कुछ सर थानों में भी जैसी हुई है तो सीधा इसको लेकर भी चिंतित है कि आम आदमी साथ में अच्छा व्यवहार हो मंत्री जी ने कहा, उसको लेकर क्या? सर सारा पुलिसिंग का मुख्य जो टारगेट है, उद्देश्य है, वो यही अच्छी पुलिसिंग हो, आम आदमी को राहत मिले, अच्छा व्यवहार, वही।